सिटी होम देख रहे सारे दर्शकों स्वागत है। मैं राजेश मैरा अज भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा पहली दफा अज लुधियाना धरती से जिन्होंने कहते शहीदों की धरती से कहा जा सकता सुखदेव थापर के जन्म स्थली पहुंचे ने। अज गल करेंगे उन्होंने परिवारिक मैंबर अशोक थापर जी साढ़े पहुंचे ने। अशोक जी की कहना अज पहली दफा किसी भी अपना कौमी कह सकते हैं नैशनल पार्टी आ जिहड़ा इस वेले साडे हिंदुस्तान दे विच भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है उन्होंने प्रधान पहुंचना की समझते हो कि इस वेले बड़ी देर बाद तुहाडी सुध लई गई है बहुत तुसीं भुख हड़तालां भी रखी है। भारत माता की बंदे मातरम शहीद आजम सुखदेव थापर के जन्म स्थल से अज नमस्त होने लई BJP के ऑल इंडिया के प्रधान श्री JP नड्डा जी अज इत्थे नमस्त होने लई आए। कल 15 मई उन्हां दा जन्मदिन है। जन्मदिन के दिहाड़े ते श्री नरेंद्र मोदी जी वालों अज जिहड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है वह साढ़े नाल कल मिल के मनाया जा रहा। 75 साल हो गए देश की आजादी नूं। पहला चांस है कि जी देश के प्रधानमंत्री ने एक आश्वासन दिता और JP नड्डा जी ने अपनी तरफों इत्थे भेजिया नमस्त होने लई और साढ़े जिहड़े ट्रस्ट के और लुधियाना शहर के समाजिक धार्मिक जथेबंदियों की जी अप्रोच सी वो बड़ी थोड़ी सीगी क्योंकि 40 गज की जगह एक पायर होनी है एक उस सारा रस्ता इतों मिल जाए तो आम लोगों आन जान की इतने सुविधा मिल जाए ता कि लोग देश विदेश तो लोग आते हैं और नमस्त होने इतने आन। और मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करदा कल 15 मई में उन्हों का जन्मदिन है और राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा और मोदी जी की इंस्ट्रक्शन के नाल यह सारा प्रोग्राम कल 6 बजे तो लैके राति 8 बजे तक चलेगा। पहलों 6 बजे शाखा लगेगी 8 बजे तक उस तो बाद 11:15 बजे सो 10:15 तो 11:15 हवन जग उन्होंने निमित्त कराया जाएगा। 11:15 तो 12:15 के रागी जत्था कीर्तन इतने करेंगे एक घंटे का और उस तो बाद इतने रथ यात्रा निकाली जाएगी जिहड़ी कि शहीद के घर तो चल के घंटाघर होंदी हुई रिखी रोड होंगी 3 नंबर जो लुधियाना इतने द्वारा पहुँचेगी। 2:15 बजे का टाइम है इतने सारी जनता साढ़े नाल देश विदेश तो लोग आए लुधियाना निवासी साढ़े नाल यात्रा दे शामिल होंगे और मैं समझदा कि ये 75 साल तो पहला साल ऐसा है कि जिहड़ा असी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी JP नड्डा जी ने इत्थे भेजा और मैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा और जिहड़ा उन्होंने साढ़े को मेमोरेंडम लिते है हो सकता सीधे नरेंद्र मोदी जी को पहुँच सानू आश्वासन दे के गए हैं भारत माता की जय। जिहड़ा अज तुहाडा ट्रस्ट आया सीगा और उस तो बाद JP नड्डा जी ने की गलबात हुई है की तुहानू आश्वासन दे के गए ने भारतीय जनता पार्टी दे तरफों? वो कहिंदे जी ये जिहड़ा तुसीं सानू मेमोरेंडम दिता है ये सीधा प्राइम मिनिस्टर जी को जाएगा और हो सकता है कि जल्दी तो जल्दी जिहड़ियां थोड़ियां मंगां वो पूरियां कीतियां जाएंगियां सानू आश्वासन दे के। तुसीं कड़ी-कड़ी मंग आश्वासन च रखी मेमोरेंडम दिती है जी कि उन्होंने सम्मान मिलना चाहिए जिदा कि भगत सिंह राजगुरु 3 जिसम एक जान सी और उन्होंने अलग ना किया जाए क्योंकि उन्होंने रूहां जड़ियाँ अलग रहनगियां तो भटकदियां रहनगियां इस करके उन्होंने माता जी भी यही कहते होंगे सी कि तुसीं कट्ठे रहना अलग नहीं होना। असी अंग्रेजा ने तो उन्होंने अलग अलग करता सी फांसी दे के किसी की जड़ियाँ संस्कार किया अलग अलग जगह किया ता कि इन्होंने उत्थे भी कट्ठे ना हो सकन पर मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपील की है कि उन्होंने इकट्ठे रहन दे जिदा प्रधान चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान जी ने उन्होंने अलग करने की कोशिश की है। मैं फिर कहना उन्होंने भगवंत मान जी इन्हों अलग ना करो जिन्हिया भी ऑफिसर फोटो लगी दी हैं भी अंबेडकर साहब की तो लगनी चाहिए क्योंकि उन्हें संविधान के मालक है हिंदुस्तान के और भगत सिंह के नाल राजगुरु सुखदेव जी फोटो लग जाए तो कि अफसरों को यह पता लग जाए एक 3 जिसम एक जान सी। इस तो बाद सानू जरा उन्होंने जन्मस्थली भी दिखा दौ दर्शकों को दिखा देंगे सब तो पहला ये कैमरामैन को कहांगा साढ़े 3 जिसम एक जान की जी फोटो ने वह भी देख सकते इनकलाब जिंदा लिखा हुआ जी। थापर साहब तुम इस जन्मस्थली के असं एंटर कर रहे हैं देख सकते हो पुराना जन्म स्थल है किस तरीके आले बने हुए देख सकते हो सीधे तस्वीर सुखदेव थापर के जन्मस्थली घर दिया। इस तो बाद असं दूसरा एंटर कर सकते हैं दूसरा कमरा ये कमरे के तुम दरवाजे देख सकते हो उस तो बाद अंदर चलते हैं ये छोटा कमरा है देख सकते हो तुम उस तरीके यादाश इन्हों की रखने की कोशिश की गई है स्विच भी देख सकते हो पुराने जोड़े काफ़ी साल पुराने ये इतने बिजली के स्विच लगे हुए है यदा मतलब इतने उस टाइम उन्होंने बिजली सी
जिस तरीके ट्यूब लगी हुई है, पखा लगा हुआ और छत तुसी देख सकते हो बालियां दी लकड़ दी छत है। और जे पुराने ट्रेडिशनल जदों कि आप रोशनदान जिन्हों कह सकते हैं इस तरीके आले रोशनदान रखे गए सी, पंजाबी जिन्हों आले भी कहा जाता, छोटे छोटे आले भी देख सकते हो तुसी। और एक होर एक है एक होर छोटा कमरा ये अंदर, कमरे के नाल अंदर छोटा जहा कमरा जैसे पढ़ने स्टडी रूम कह सकते हो तुसी। इन्हों की कुर्सी पई हुई है, पुरानी कुर्सी देख सकते हो तुसी, सुखदेव थापर की बहुत पुरानी चेयर है रखी हुई है ट्रेडिशनल जाल वास्ते। तकरीबन यह 2.5 फुट 2.5 फुट चौड़ा कमरा है और 6 फुट लंबाई है इसकी। आओ अगे चलते हैं। एक हाँ जी, जिम्मे असी अजक स्टोर यूज करते हैं तो उस टाइम अड्डे अड्डे आले होंगे जी, इन्हों असी खाण पीन का अपना कोई ना कोई समान रखते सके, तो बारी लगी होंगी सी, तो वो बारी हूँ स्योक लगन के नाल नहीं है जी, लक्कड़ खराब हो गई, लक्कड़ खराब हो गई क्योंकि काफ़ी देर तो बंद पिया सी, हूँ असी जो देख रेख की उदों तो असी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत निर्माण तुसी कीता है, नवीनीकरण किया ताकि जिहड़ियां कंधां और दरवाजे जिहड़े है बचे रहन। इस तरीके नाल एक पुराने ट्रेडिशनल एक होर रूम हैगा इन्हां दा, देख सकदे हो तुसी। इस रूम दे विच सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जिन्हें भी VIP JP नड्डा समेत सारे जिहड़े लीडर सी वह भी पहुँचे सन और इस रूम नूं इस घर नूं देखा गया। देख सकते हो तुम सीधा तस्वीर साढ़े कैमरे राही। हाँ जी, ये भी बारी सी जी, जिदा असं मंदिर टाइप बना लें, पुरानी बारी से बाले सारे चले गए, असं नवे बाले जे गए तो ठीक करवाए जी। इस तरीके दी बारियां जिहड़ियां हर रूम तिने चार रूम लगी हुई हैं, किन्ने रूम से मेन तो दो ही रूम आ जी, ये दो रूम आ जी छोटे, तो एक रंगा जिन्होंने असं कहने। हाँ जी, उस टाइम पुराने घर इदा ही होंगे सी सारे। हाँ जी हाँ जी, गल कर लेने साडा ट्रस्ट के होर मैंबर ने थापर जी। थापर जी, तुसी वाकई मानते हो कि अज नैशनल प्रेजिडेंट BJP दे आए ने और तुहानू आश्वासन दे के गए ने, क्योंकि आश्वासन देना जिहड़ा तुसी कई सालों तो मंग कर रहे ने, इस आश्वासन नू वाकई मानते हो कि काम होएगा? काम होएगा, बड़े सरकार आईयां, बड़े चीफ मिनिस्टर आए, सारे नू तुसी इत्थे लिआंदा। बड़ा लंबा संघर्ष किया, बड़ा लंबा संघर्ष करन तों बाद अज ये कंडीशन से असं पहुंचे हैं कि एक देश की वड्डी पार्टी का कौमी प्रधान इत्थे आया। ये पहली बार है, ये पहली बार ऐसा होया शहीद सुखदेव जी नूं इस भारत सरकार के बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हार्ट नाल दिल नाल याद किया और उन्होंने जन्मदिन तो एक दिन पहला उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान नूं इत्थे भेजा। साडी उम्मीद जागी है कि जिदा किसी देश की वड्डी पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान पहली बार इत्थे पहुंचे, उदे कोई देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इत्थे किसी दिन सुखदेव जी के घर आएगा, ये सानू उम्मीद भी है और विश्वास भी है। नड्डा जी के नाल साडी गलबात हुई, नड्डा जी ने असीं अपनी डिमांड्स दित्तियां, नड्डा जी ने सानू आश्वासन दिता है कि डिमांड्स तुहाडियां जिहड़ियां प्रधानमंत्री जी तक पहुँचणगियां। विश्वास इस करके है कि पहली बारी हुसैनीवाला दे विच साडे परिवार नूं अशोक थापर, संदीप थापर, करण थापर नूं स्टेज दे उत्ते बुला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सम्मानित किया, उस तो पहला किसी ने सम्मानित नहीं किया, इस करके विश्वास। एक विश्वास थोड़ा टुटिया भी होया क्योंकि इस वेले मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी है, उन्होंने तीन जिसम जिन्हों कहते एक जान, उन्होंने उन्होंने विचों एक नूं चुनिया शहीद आजम भगत सिंह नूं, ते इहदे बारे की कहना चाहुंगे? ये शर्म की गल है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी नूं साडी रिक्वेस्ट है, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो लगाई, असी नतमस्तक है संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान लिखिया उन्होंने फोटो लगनी चाहिए सी, पर दूजे पासे भगत सिंह जी की कली असी भगत सिंह की फोटो लगे सानू कोई इतराज नहीं, पर तुसी जिन्हां नूं अंग्रेज भी अलग नहीं कर सके, जिन्हां नूं मौत भी अलग नहीं कर सकी, मौत भी कट्ठी आई, पले भी कट्ठे, वह आजादी का संघर्ष भी कट्ठिया ने लड़िया, जिन्हां नूं अंग्रेज भी अलग नहीं कर पाए, तुसी उन्हां नूं अलग करता कल्ले भगत सिंह जी की। भगत सिंह जी रोंदे होणगे, पक्की गल है मेरी, उपर रोंदे होणगे कि ये बंदियां ने सानू इन्हें मैनू मान नहीं दिता, मेरी बेइज्जती की है, मेरा अपमान किया कि मेरे जो दो दोस्त जेड़े मेरिया दो बाहां, मेरिया दो अखां, मेरे दो कन्न वो मेरे नालों लाते, इन्हों चाहिए कि उन्होंने फोटो भी नाल उन्होंने तिना की फोटो दफ्तर के लगाई जाए,
बहुत ही शर्म की गल है। मैं कहूँगा पंजाब सरकार शेम यू। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 47 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓ ਪੇ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਵੇਲੇ ਵਤਨ ਪੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੋ ਕਾ ਇਹੀ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਲੇ ਗਾਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਢੋਲੇ ਤਾਂ ਢੋਲੇ ਆਪਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਾਲ ਤੱਕ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲਾਹੌਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਐਂਡ ਸਾਥੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਸਟੇਟ ਵਰਸਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਿਭਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਘਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਗਰ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਵਾਰੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਥਾਪਰ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।